हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इस तरह का इक्वेशंस। आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत देखा भी होगा कि 1 माइनस एक्स टू द पावर एन है तो 1 माइनस एन एक्स क्यों लिखते हैं जब एक्स का वैल्यू बहुत छोटा होता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस टू बी, ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस टू बी, ऐसा तो नहीं होता है ना। या फिर 1 प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टू बी, ऐसा तो नहीं होता है ना। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ये नहीं लिख रहे हम लोग, ऐसा क्यों? ये तो नहीं होता ए बी, इतना सिर्फ इतना तो नहीं लिखते हैं। पर यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना पड़ेगा हम लोग को। और यहाँ पे आप लोग को हमेशा कन्फ्यूजिंग क्रिएट करता है जब भी आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ तो बायो के स्टूडेंट स्पेशली, इनफैक्ट मैथ्स के भी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग को मैथ्स में बाद में पढ़ना होता है पर फिजिक्स में पहले ही यूज हो जाता है, इसीलिए हम लोग फिजिक्स में ही बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं ये चीज़, ठीक है। तो 1 प्लस या फिर माइनस एक्स टू द पावर एन है तो ऐसा लिख रहे हैं। तो इस चीज़ को जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। व्हाट इज फैक्टोरियल, क्या फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर नंबर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर नंबर, है इंटीजर नंबर का प्रोडक्ट होता है और किसका, बिलो द फैक्टोरियल नंबर्स, जो भी फैक्टोरियल नंबर दिया रहेगा वहां से उसके बिलो, बिलो द फैक्टोरियल नंबर्स। जैसे अगर दिया हुआ है, एग्जांपल देख लेते हैं, अगर दिया हुआ है फैक्टोरियल 4, है ना। अच्छा, फैक्टोरियल को इस तरह भी डिनोट करते हैं और इस तरह भी डिनोट करते हैं। तो अगर फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है, कुछ किसी भी तरह लिख सकते हैं, ऐसे या ऐसे, इसका मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया कि फैक्टोरियल जो दिया हुआ है, फैक्टोरियल के साथ साथ उसके जो बिलो नंबर्स होंगे उसका प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब ये हो गया 24। ये होता है अगर कोई भी वैल्यू दिया हुआ हो, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। फैक्टोरियल n है तो इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, वैसे ही 2 इंटू 1 लास्ट तक जाएगा, जितने भी इंटीजर्स नंबर होंगे वो सब लिखना पड़ेगा। ये होता है फैक्टोरियल, तो ये याद रखना है। और दूसरी बातें फैक्टोरियल के साथ साथ एक बात और याद रखना होगा आपको कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है। चलो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज होगा इस जगह पे, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है ये जानना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं जानेंगे हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन पी और कॉम्बिनेशन सी, है ना, इसी से डिनोट किया जाता है। हम लोग यूज करेंगे जब मैथ्स में तो पता चल जाएगा कि पी और सी कहाँ पर यूज होता है। परमुटेशन में क्या होता है कि सिलेक्शन दोनों में है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होता है, पर इसमें सिलेक्शन के साथ साथ अरेंज भी रहता है विथ अरेंज फॉर्मेट, अरेंज फॉर्मेट में रहता है। यहां पे ओनली सिलेक्शन, सेलेक्ट कर लिए, अरेंज करने की जरूरत नहीं है, बस सेलेक्ट कर लिए जो लेना है, यहां पे सेलेक्ट करके अरेंज भी किया रहता है। ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है यहां पे, है ना, और यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, डज नॉट मैटर, मैटर, ठीक है, बस इतना जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया परमुटेशन, ये हो गया कॉम्बिनेशन। अब इसका यूज कैसे होगा ये समझेंगे। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है एन पी आर, इट मीन्स फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है परमुटेशन का मतलब। कॉम्बिनेशन का मतलब अगर एन सी आर लिखा हुआ है तो एन बाय एन माइनस आर इंटू आर,
ये n माइनस वन आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, यहाँ पर सिर्फ फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर, यहाँ पर फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r, इतना यहाँ पे थोड़ा सा बस डिवाइड हो जाता है फैक्टोरियल r से। तो ये कॉम्बिनेशन का हो गया, ये परमोटेशन का हो गया, है ना। अब अगर हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे कोई भी परमोटेशन का कोई वैल्यू, छोटा सा वैल्यू लेते हैं और कॉम्बिनेशन में भी सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या होगा। परमोटेशन में जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 5p2, दैट मीन्स फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 2, तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 का मतलब 4 into 3 into 2 into 1, और ये हो गया फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 5 माइनस 2, तो ये हो गया 3 into 2 into 1। तो देखो 3 into 2 और into 1 ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 5 into 4 20, ये इसका वैल्यू आया। कॉम्बिनेशन में रहेगा अगर 5C2, तो ये लिखेंगे फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 2 और फैक्टोरियल 2 ऐसा, और यहाँ पे ये हो गया फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये हो गया आपका 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3 into 2 into 1 और फिर ये 2 into 1, तो 3 into 2 into 1 3 into 2 into 1 कैंसिल, और ये 2 से 4 भी कैंसिल, तो ये बच गया ओनली 10, तो ये आ गया 10 वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको इस फॉर्मूला को। अब हम लोग आगे करते हैं इससे वैल्यू, अब हम आते हैं यहाँ पर, है ना। तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन का, परमोटेशन का यूज तो नहीं होगा, कॉम्बिनेशन का यूज आपका यहाँ पे इस इक्वेशन में हो रहा है, और कैसे हो रहा है उसे जानते हैं पहले। जैसे आप लोगों ने अभी जस्ट देखा 1 minus x to the power n है, 1 minus x to the power, अगर माइनस n है तो ये हो जाएगा 1 plus nx, मतलब ये हुआ माइनस n से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 1 plus nx, ये फॉर्मूला होता है। अगर 1 plus n है, 1 plus x है अ पावर n, तो ये लिखेंगे 1 plus nx, 1 plus x to the power minus n है, तो आप समझ में आ रहा होगा कि क्या लिख रहे हैं हम लोग, 1 plus minus nx, मतलब हो गया 1 minus nx, है ना। सिर्फ इसका मतलब ये यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ये यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जा रहा है सब में, नहीं ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ माइनस एन मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे एन मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे फिर माइनस एन मल्टीप्लाई हो गया। तो इन सारे में एक्स बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा वैल्यू होगा तभी ऐसा होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस इक्वेशन से ये सॉल्व किया जा रहा है, इस पे आना है हम लोग को, उस इक्वेशन को देखेंगे। तो जैसे हम लोग के पास इक्वेशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, फिर a प्लस बी पे पावर 4 है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस 4ab प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b टू द पावर 4, ऐसा होता चला। अब जिसका भी कहेंगे मैं लिख सकता हूं, कितने भी पावर हो, a प्लस बी पे पावर 5 भी होगा तो a टू द पावर 5 प्लस 5 a टू द पावर 4 बी प्लस 10 ना 10 ए क्यू बी स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर बी क्यू प्लस 5 ए बी 4 प्लस बी टू द पावर 5, आप भी लिख सकते हैं ऐसे। अभी मैं बताता हूं कि कैसे लिखना है। तो इट मीन्स जितने भी पावर्स हैं इसका आप लोग लिख सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे लिखते हैं ये देखिए, होता है क्या,
ए प्लस बी, या मैं ऊपर मिटाता हूं यहां पे, और लिखते कैसे हैं ये मैं बताता हूं। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ इक्वेशन ए प्लस बी पे पावर एन है, तो कैसे लिखते हैं इसको ये समझना है बेसिकली। तो कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे यहां पे, ये होता है एन सी जीरो, ठीक है, ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर जीरो प्लस एन सी वन ए पे पावर एन माइनस वन बी पे पावर वन। इसका पावर घटता जाएगा ए का और बी का पावर बढ़ता जाएगा। फिर प्लस एन सी टू, एन सी टू ए पे पावर एन माइनस टू बी पे पावर टू प्लस एन सी थ्री ए पे पावर एन माइनस थ्री बी पे पावर थ्री प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह होता जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो एन सी एन माइनस वन ए पे पावर वन और बी पे पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन ए पे पावर जीरो और बी पे पावर एन, ऐसा ही पड़ता जाता है लास्ट ये, ठीक है। लग रहा होगा कि कितना लंबा कर रहे हैं हम लोग, है ना, पर बहुत आसान हो जाएगा अभी जस्ट आप जब देखेंगे इस चीज को। तो प्रूफ बहुत लंबा ही है, थोड़ा सा देखेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही निकलता है, कॉम्बिनेशन से। तो अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं कि फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस जीरो और फैक्टोरियल जीरो, और फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू वन होता है, ठीक है। ये ए टू द पावर एन बी पे पावर जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। तो होता है बेसिकली यही है। अब इसको फैक्टोरियल में सबको तोड़ना है, तो अब हम लोग इस चीज को प्रूफ करते हैं, इस चीज को पहले प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, ए प्लस बी टू द पावर फाइव है ना, तो यहां पे लिखेंगे फाइव सी जीरो ए पे पावर फाइव बी पे पावर जीरो प्लस फाइव सी वन ए पे पावर फाइव माइनस वन फोर एन माइनस वन फोर अब बी पे पावर वन प्लस एन सी टू ए पे पावर फाइव माइनस टू थ्री और बी पे पावर टू, है ना, टू हो जाएगा प्लस एन सी एन क्यों लिख रहे हैं हम लोग, फाइव लिख रहे हैं ना, फाइव फाइव है पावर, यहाँ एन था फाइव था, उसी के फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं हम लोग। एन सी थ्री ए स्क्वायर बी क्यू प्लस एन सी फोर फिर एन सॉरी यहाँ पे फाइव हम लोग फाइव लिखते चलेंगे एन सी फोर ए बी पे पावर फोर और प्लस लास्ट वन एन सी फिर एन सी यहाँ पे फाइव सी फाइव सी फाइव ए पे पावर जीरो बी पे पावर फाइव, ये वैल्यू होगा। तो देखेंगे कि यही वैल्यू आ रहा है कैसे, इसी को सॉल्व करके हम दिखाते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल फाइव बाय फैक्टोरियल फाइव माइनस जीरो फाइव और फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू वन, ये और ए टू द पावर फाइव बी पावर जीरो है, कोई जरूरत नहीं है लिखने का, है ना। फाइव फैक्टोरियल फाइव बाय फैक्टोरियल फाइव माइनस वन फोर डायरेक्ट लिख देता हूँ फोर, है ना, और फैक्टोरियल वन और ए पे पावर फोर बी प्लस फैक्टोरियल फाइव फाइव माइनस टू थ्री और फैक्टोरियल टू ए क्यू बी स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल फाइव और फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल टू और फैक्टोरियल थ्री भी हो जाएगा, फॉर्मूला जो है उसी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर बी क्यू प्लस फाइव सी फोर था तो फैक्टोरियल फाइव बाय फैक्टोरियल फाइव माइनस फोर लिख देता हूँ, ये फाइव माइनस फोर और फैक्टोरियल फोर और ए बी पे पावर फोर है, फिर प्लस फैक्टोरियल फाइव बाय फैक्टोरियल फाइव माइनस फाइव जीरो हो जाएगा और फैक्टोरियल फिर फाइव और ए पे पावर जीरो है सिर्फ बी पे पावर फाइव होगा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर होगा। अब इसका वैल्यू हम लोग सॉल्व करके यहां पे लिख देते हैं, प्रूफ हो जाएगा ये चीज कि फैक्टोरियल फाइव का फाइव ए प्लस बी पे पावर फाइव कैसे निकलता है, किसी का भी पावर हम लोग कैसे निकालते हैं,
फिर आसान हो जाएगा आप लोग को निकालना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस जीरो 5, तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू 1 होता है, मैं पहले ही बताया, फैक्टोरियल 5 सॉरी फैक्टोरियल जीरो इक्वल टू 1 ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बाय 5 1, तो बचेगा क्या ए टू द पावर 5। ये क्या है, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 4, तो 5 सिर्फ बच जाएगा, क्योंकि आप लोग देखेंगे फैक्टोरियल 5 को लिखते हैं साइड में, मैं सॉल्व कर देता हूँ, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 4, तो ये होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय फैक्टोरियल 4, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये पूरा कैंसिल हो गया ना, सिर्फ बचा 5, तो ऐसे ही 5 सिर्फ लिख लेंगे, 5 ए पे पावर 4 बी, फिर ये बचा यहाँ पे, है ना, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये बच जाएगा, फैक्टोरियल 3 तक तो कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पे क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 को फैक्टोरियल 4 लिख दिए, 3 लिख दिए, ठीक है। अब ये बच गया 2, तो 2 इंटू 1 2, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 आएगा, तो ये हो गया 10 प्लस 10 ए टू द पावर 3 बी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका भी वैल्यू देखो, फैक्टोरियल 5 बाय 3 इंटू 2 था, यहाँ 2 इंटू 3 है, एक ही बात है, वो भी हो जाएगा 10 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस ये क्या बच गया, 1 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1, ये वाला आ रहा है क्या, और फैक्टोरियल 4 सेम आ रहा होगा, देखो 5 माइनस 4 1 और 4 पहले से 5, इसका वैल्यू क्या आया 5, तो इसमें डायरेक्ट 5 लिखेंगे, 5 ए बी पे पावर 4। फिर ये देखो फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 5 0, 5 माइनस 5 0, तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, बचा क्या यहाँ पे फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 1, मतलब सिर्फ बचेगा बी टू द पावर 5। क्या आप लोग मैच करें, अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले जो लिखे थे वही आ रहा है वैल्यू, बिल्कुल वही आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल वही आएगा। तो मैं इसे मिटाता हूँ और अब आता हूँ इस पे कि बेसिकली ये कैसे हुआ है। तो देखिए ये कैसे हुआ है, ये हम लोग जानते हैं, इसे भी मैं मिटा ही देता हूँ। या देखिए क्या है, a प्लस बी पे पावर 5 था, इसी का वैल्यू आया है प्रूफ करने के बाद इतना। तो यहाँ पर अगर 1 माइनस एक्स होता तो पावर n या पावर 5 ही देते तो क्या होता, a की जगह पे 1 है, मतलब 1 का 5 1 माइनस है ना, ठीक है, माइनस भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी हम लोग प्लस वाला सीखते हैं ना, सिर्फ प्लस वाला देखते हैं, प्लस 5 है ना, 5 ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू सिर्फ बी मतलब एक्स, ए का वैल्यू 1 तो 1 पे पावर 4 कुछ नहीं, और बी की जगह पे एक्स है तो बी की जगह पे एक्स रखना है, तो ए की जगह पे 1 बी की जगह पे एक्स, ए की जगह पे 1 बी की जगह पर एक्स, प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स 4 प्लस एक्स टू द पावर 5, ये हो रहा है सर, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि x अगर बहुत छोटा है, लगभग 0.001 x ऑलरेडी इतना छोटा है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.000001, फिर एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, और भी जीरो होता जाएगा, 3 जीरोज बढ़ जाएंगे, तो अप्रोक्स ये सब जीरो हो रहा है क्या, खुद एक्स छोटा है तो स्क्वायर क्यूब 4 5 एक्स टू द पावर 5 है तो ये सब तो जीरो होता चला जाएगा ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 अगर है इक्वेशन तो सिर्फ 1 प्लस 5 एक्स लिखते हैं और ये वाला टर्म को लगभग जीरो कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी हैं बहुत जीरो जीरो, अब ये सब ऐड करेंगे तो लगभग जीरो ही होगा ना, है ना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म या क्यूब वाला टर्म या फोर होगा तो और भी जीरो थ्रीज बढ़ जाएंगे, जीरो बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा रहता है जब एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, जब बहुत बहुत छोटा होगा तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जैसे ये लिखा हुआ है एन से मल्टीप्लाई हो गया, अच्छा माइनस वाला थोड़ा समझना है कि सर आपने प्लस ले लिया, माइनस वाले में क्या होगा,
तो माइनस वाला भी इजी ही है। देखो कैसे, 1 - x^5 है, हम लोग लिख सकते हैं 1 + -x^5, क्या कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहां पे क्या करेंगे, सिर्फ इसके जगह पे, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे -x, बी के जगह पे क्या -x, तो क्या हो जाएगा 1 + 5 × 1 - x +10 × 1 − x² +10 × −x³ +5 × −x⁴ +−x⁵। ये तो हुआ क्या, ये 1 - है ना, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x और +10 − x², तो −x² + x² सिर्फ x, +−x³, तो −x × −x × −x, 3 माइनस हो गया, तो यहां पे फिर माइनस हो जाएगा −10x³, फिर +5x⁴, पावर 4 है तो प्लस हो जाएगा, फिर पावर 5 है तो x⁵ माइनस में हो जाएगा, तो यहां स्क्वायर था, सॉरी स्क्वायर था, है ना। तो यहां पर फिर से क्या करेंगे, x² इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, तो x² में और वेरी जोड़ते चले जाओ तो बहुत छोटा हो जाएगा, है ना, तो ये सारे टर्म छोटे हो जाएंगे तो लगभग जीरो के बराबर। तो ये हो गया 1 - 5x, किसका वैल्यू 1 - x⁵ अगर 5 है तो। समझ में आ रही बात, तो वैसे ही सारा प्रूफ हो जाता है। तो हम लोग अब समझ चुके हैं कि क्या होता है। चलो, तो किसी भी तरह के इस तरह इक्वेशंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस को, तो वैसे ही 1 - के जगह पे प्लस यहां पे दिए हुए हैं एंड है, तो हो जाता है 1 + nx, 1 + x⁻¹ अगर रहा तो ये हो जाएगा 1 - nx, और 1 - x⁻¹ रहा तो ये हो जाएगा 1 + nx। सारे में क्या होना चाहिए, x इज वेरी वेरी स्मॉल। तो क्लियर है यहां तक, तो चले रहने देते हैं इतना ही इस वीडियो में, आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम है। मैं बार बार कहता हूं कि कमेंट करके जरूर पता पूछ लें कि सर इस टॉपिक पे मुझे चाहिए, या फिर आप किसी तरह मेरे से कॉन्टेक्ट करके बोल सकते हैं या कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।